टैनिंग की वजह से स्किन पर बहुत डलनेस हो जाती है, और अगर हम धूप में जाते हैं तब तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो सस्ता भी हो और आसान भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सस्ती और आसान होम रेमेडी, जिससे आप अपनी स्किन के ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी स्किन पर वो तो रिमूव होंगी ही, और साथ में आपकी स्किन की ब्लीच भी हो जाएगी। जी हाँ, ब्लीच क्रीम जो होती है ना, उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से मतलब 15 मिनट्स में ही इतना अच्छा ग्लो आता है ना, मन खुश हो जाता है। लेकिन 3 4 दिन बाद जब आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, आपका मतलब चेहरा जो है ना, इतनी डलनेस आ जाएगी स्किन पर कि ऐसा लगता है कि हम बीमार होके उठे हैं। ये जो रेमेडी है, इसे आप वीक में 2 से 3 डेज अप्लाई करेंगे तो आपको बाहर जाके ब्लीचिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्किन पर ग्लो तो आएगा ही, साथ साथ ब्लीच भी हो जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये रेमेडी देख लेते हैं किस तरह से बनानी है और किस तरह से अप्लाई करनी है। एक मीडियम साइज का आलू ले लें और उसका छिलका उतार लें। अगर तो उसका छिलका मतलब स्किन जो है उसकी बारीक है ना, तो आप ऐसे ग्रेट कर लें चलेगा, लेकिन अगर छिलका जो है ठीक है थोड़ा, तो उसको निकाल लें। जैसे ये मेरे पास आलू है ना, इसका छिलका भी ठीक था और ब्राउनिश था, तो जैसे हम इसका रस निकालते हैं ना, तो वो ब्राउन हो जाता है कुछ देर बाद, इसलिए मैंने इसका छिलका उतार लिया है। अब इसको ग्रेट करके हमने रस निकाल लेना है। स्किन को नेचुरली ब्लीच करने के लिए ना, आलू सबसे पहला सॉल्यूशन है। जब भी हम नेचुरली ब्लीच करने की बात करते हैं तो आलू ही हमारे माइंड में आता है। ये एक ब्लीचिंग फेस पैक है और बहुत ही फास्टली हमारी स्किन पर अपना इफेक्ट छोड़ता है। आलू में एंजाइम और कुछ नेचुरल एसिड होते हैं, जैसे कैटेकोलाज है, जिसका जो है ना हल्का ब्लीचिंग का इफेक्ट होता है और बहुत ही जल्दी से हमारी स्किन पे ब्लीच करता है। ग्रेट करने के बाद अब इसे साफ कपड़े में निकाल लेंगे और इसका इस तरह से ना रस निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हो ग्राइंडर में, आपने अच्छे से इसको जो है ना मैश करके फिर इसका रस निकाल लेना है। आलू में पोटेशियम होता है, जिसकी वजह से ये स्किन के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस को साफ करता है। आलू का रस अगर स्किन पर लगाते हैं तो टैनिंग, डार्क स्पॉट्स कम होने लगते हैं, और इसमें जो मौजूद विटामिन B6 है ना, वो एजिंग की समस्या से बचाता है। अगर आप आलू का रस वीकली 3 से 4 या 2 से 3 बार भी लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। आलू का पूरा रस हमने निकाल लिया है, पूरी गुडनेस जो है ना आलू की, वो हमारे बाउल में आ गई है अब। और अब लेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर और इसको भी ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। इसका भी रस जो है ना हमने आलू के रस में मिक्स कर देना है। टमाटर जो है वो हमारी सब्जी के स्वाद और रंगत में तो जान डालता ही है, बल्कि हमारी स्किन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ये हमारी स्किन के पोर्स को टाइट करता है, नेचुरल ब्लीच देता है और टैनिंग को भी दूर करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंटी एजिंग एजेंट्स का काम करते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ही टाइट, ब्राइट और बहुत ही ग्लोइंग दिखती है। 1.5 टीस्पून लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी की अगर बात करें तो ये सदियों से स्किन केयर में यूज होती आ रही है, हमारी दादी नानी के टाइम से, उससे भी पहले के लोग जो हैं इसे यूज करते थे स्किन केयर में। ये एक ऐसी चीज है जिसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। 1 टीस्पून लेंगे गुलाब जल, 1 टीस्पून ले लें नींबू का रस। अगर आपको सूट नहीं करता तो इसको आप स्किप कर सकते हो, तो आप गुलाब जल ही डालें। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ये शामिल किए हैं ना, ये एक से बढ़कर एक काम करते हैं हमारी स्किन पर। गुलाब जल की बात करें तो गुलाब जल हमारी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। एक ब्लॉचिनेस की प्रॉब्लम होती है, काले और लाल रंग के ना पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर, उनको भी ये रिमूव कर देता है। लेमन की अगर बात करें तो स्किन वाइटनिंग में ये बहुत असरदार है, दाग धब्बों का इलाज करता है, सनबर्न में ये हेल्पफुल है, डार्क सर्कल्स को कम करता है, झुर्रियों को हटाता है, डेड सेल्स हटाता है, डार्क अगर आपकी अनइवन स्किन टोन है उसे रिमूव करता है। ये पेस्ट बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा मैश करते हुए इसको मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये थिक हो जाएगा। ये देखिए, 3 से 4 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था और अब ये काफी थिक सा हो गया है। इस पेस्ट को अब फेस पर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हो या फिर आप फिंगर्स की हेल्प से हल्की हल्की मसाज करते हुए इसको फेस पर अप्लाई कर लें। मसाज करते हुए अगर आप इसे फेस पर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको ब्रश से ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये सारी चीजें मिलकर हमारी स्किन पर बहुत ही बढ़िया काम करती हैं। आप मेरे कहने से एक बार लगा के देख लीजिए, मतलब वीक में आपने 2 से 3 टाइम्स लगा के देखना है, उसके बाद तो आप खुद ही कंटिन्यू करने वाले हो।
फेस को अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद इस पेस्ट को ना हमने ऐसे हल्के हल्के हाथों से, अगर आप मसाज करते हुए लगा रहे हो तो हल्के हल्के हाथों से इस तरह से अप्लाई करना है और मसाज करते जाना है। मैं यहाँ पे ब्रश से लगा रही हूँ, आप भी ब्रश से लगा सकते हो। बस इस तरह से पूरे में अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हमने जो ब्रश की डायरेक्शन है ना ऊपर की तरफ को चलानी है। बस इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बस आपने इस तरह से पेस्ट लगा लिया। उसके बाद जो है ना ब्रश को ऊपर की तरफ से, ये देखिए किस तरह से मैं स्ट्रोक दे रही हूँ ऊपर की तरफ को, बस ऐसे आपने लगा देना है। जैसे हम फेस पर मसाज करते हैं ना, बस वैसे ही ये देखिए इसी तरह से फिंगर्स चलाते हैं ना हम अपने फेस पर, सेम वैसे ही हमने ये पेस्ट लगा लेना है। इतना करने के बाद इसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। 4 से 5 मिनट में ये हल्का हल्का ड्राई होने लगेगा। उसके बाद ये देखिए मैंने दोबारा से एक लेयर और इस पे लगा दी। जब आप इसकी एक लेयर लगाओगे ना तो थोड़ी सी स्टिफनेस आएगी जब आप इसको ड्राई होने देंगे, हल्का हल्का हार्ड जैसा लगेगा आपको अपना फेस, लेकिन आपने दोबारा से एक लेयर और लगा देनी है और उसको भी ड्राई होने देना है। उसके बाद देखिएगा आपके फेस पे इतनी स्टिफनेस आ जाएगी, स्किन टाइटनिंग का इफेक्ट आएगा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत अच्छा सा फील आता है कि हमने जो इतनी मेहनत की है ना उसका रिजल्ट मिल रहा है, मतलब फील होता है कि हाँ कुछ हो रहा है हमारी स्किन पर। तो पूरी तरह जो है ना आपने ड्राई होने देना है। उसके बाद फिर आपने स्प्लैश करके ना पानी को अच्छे से छिड़क के फेस पर फिर फेस वॉश करना है। डायरेक्ट आपने हाथ नहीं लगाना है फेस पर, पानी से इस पैक को सॉफ्ट कर लेना, उसके बाद ही आपने फेस वॉश करना है। ऐसे हल्की हल्की मसाज कर लें, बस फिर फेस वॉश कर लें। बस हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए आप इसको वॉश कर लें और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना कभी ना भूलें। कोई भी रेमेडी आप अप्लाई करते हो ना अपने फेस पर, फेस वॉश करने के बाद जो है ना आपने मॉइस्चराइजर या टोनर जरूर अप्लाई करना है अपनी स्किन पर, अदरवाइज जो भी आपने इतनी मेहनत की है ना उसका आपको पूरा जो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने फेस वॉश कर लिया है, बहुत ही क्लीन और क्लियर स्किन दिख रही है। ये जो अनइवन स्किन टोन होती है ना यहाँ लिप्स के आसपास, इसको भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है और आईज के आसपास जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। मुझे तो ये होम रेमेडी बहुत पसंद है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।